गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा सिलेक्शन जो सीरीज चल रही है उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थ समिट 1992। अब ये बोलोगे मैम रियो शिखर सम्मेलन भी लिखा है, अर्थ समिट 1992 भी लिखा है, तो जो अर्थ समिट 1992 में हुई थी उसी को ही रियो शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और आज हम इसके बारे में कंप्लीट जो स्टडी है वो करेंगे कि क्या थी ये बेसिकली और क्या था इसमें, है ना। पहले ये देखना है कि अर्थ समिट थी क्या, है ना। इस ये क्या था बेसिकली, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, जो अर्थ में जो चेंजेस, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम लोगों को इन्वायरमेंट को भी बचाना है, तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी को ही कहते हैं अर्थ समिट, है ना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, है ना। UNCED इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो आप लोग ये याद रख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसी को क्या कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं। अभी ये हुई कहाँ थी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, है ना, तो वो रियो में हुई, इसी वजह से इसका नाम पड़ा रियो शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हुई कब थी, 3 से 14 जून 1992 के बीच हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट है, है ना। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे ये हुई थी 3 से 14 जून 1992 को हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, लास्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे UNFCCC, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ समिट से ही UNFCCC निकल के आया था, वो मेनली जो था वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी। कुछ कुछ इसके जो निष्कर्ष थे जो मेनली निकल के आए थे, जहाँ पे हम मेनली जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट चेंज है उस पे डिस्कशन हुआ था, वो क्या था वो हम लोग आगे के बिंदुओं में देखते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव था, है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो हम लोग देखते हैं। अर्थ समिट वाज प्रोड्यूस ए ब्रॉड एजेंडा, है ना, यही देख लेना, ब्रॉड एजेंडा एंड ए न्यू ब्लूप्रिंट फॉर द इंटरनेशनल एक्शन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो इश्यूज है ना, उन पे मेनली क्या बनाया गया था, उन पे ये जो थी अर्थ समिट उसी के लिए हुई थी। उसमें क्या था कि जो 21वीं सदी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति का मार्गदर्शन करने में मदद करेगा, ठीक है, उसी के लिए ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्योंकि जो इन्वायरमेंट, जो पोल्यूशन है वो एक कंट्री के लिए नहीं, बहुत सारी कंट्रीज थी जिनके लिए बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा था, तो फिर क्या हुआ, सभी जो कंट्रीज जो मैक्सिमम सफ़र कर रही थी या फिर जिनको लगा कि ज़रूरत है हमें इस पृथ्वी को बचाने की, तो फिर वो कंट्रीज इसमें शामिल हुई, इसमें पार्टिसिपेट हुई, वो इसके सदस्य बने और फिर उन्होंने कुछ एक्शंस लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने क्या फाइनली जो कॉन्क्लूड, जो इसका निष्कर्ष निकल के आया था वो क्या था, देखिए, सतत विकास की अवधारणा, दुनिया के सतत अवकाश का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, लेकिन हमें जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब आज की पीढ़ी तो यूज़ करे ही करे, आगे की भी करे, यानी कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल वर्ल्ड है, उसको हमें समाप्त नहीं होने देना, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा दुनिया के सभी लोगों के लिए एक प्राप्य लक्ष्य है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वही यहाँ पे हर लोगों के लिए एक मेन जो एम है वो होना चाहिए, चाहे वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये इसको का कंक्लूजन निकल के आया था। अभी क्या था, सम्मेलन के जो परिणाम थे उनमें मेनली क्या क्या था वो देखो, मैंने क्या कल ही आप लोगों को बताया था कि UNFCCC था वो इसका एक रिजल्ट था, यानी कि वहाँ पे क्या था, हर एक को जैसे क्लाइमेट चेंज का जो भी जिम्मेदारियाँ थी वो सारी की सारी UNFCCC को सौंप दी गई थी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यहाँ पे मेनली 3 कन्वेंशन हुई थी, जो जिसमें से पहली कन्वेंशन यही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जैविक विविधता पर कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, CBD, फुल फॉर्म आ जाता है, सीधा भी पूछ लिया जाता है CBD, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर आता है वन सिद्धांतों पर वक्तव्य, इसमें क्या था, द स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इसमें कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे, रियो डिक्लेरेशन था और एजेंडा 21 था, है ना। इस एजेंडा 21 का मतलब यहाँ पे है कि 21वीं सदी में जो हमें कुछ चीज़ें जो हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए करनी थी, तो उसी के लिए इसका नाम पड़ा था एजेंडा 21, ठीक है।
अभी देखो रियो समिट एजेंडा 21, ये क्या था? एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, है ना, इसको एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हम लोग इसको बोल सकते हैं एजेंडा 21 था। यह सतत विकास, मेनली आप लोगों को दिमाग में रखना है जो एजेंडा जो 21 है वो मेनली किससे रिलेटेड था, ये आप लोगों को ये टर्म बिल्कुल दिमाग में रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। जैसे UNFCCC था वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, उसी तरीके से जो एजेंडा 21 है वो किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यह एजेंडा सामाजिक और आर्थिक तरीकों के माध्यम से पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं आगे। अभी देखो इसमें क्या था, एजेंडा 21 रियो समिट, इसी से रिलेटेड क्या क्या इस चीज में जो चार श्रेणियां थी वो शामिल की गई थी, वो थी सामाजिक और आर्थिक आयाम, यानी कि हम लोगों को सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी करनी है लेकिन इन्वायरमेंट को भी बचाना है। स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये सारे जो चार श्रेणियां थी वो इसमें शामिल थी। लेकिन मेनली जो चीज है वो एजेंडा 21 में थी वो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी देखते हैं कि जो रियो डिक्लेरेशन थी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए उसमें क्या था, जो रियो डिक्लेरेशन था उसमें क्या था ना कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट करने के साथ में हम लोगों को क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। पर्यावरण और विकास पर रियो की घोषणा के अनुसार इसमें क्या था कि देश है वो क्या करेगा, अपनी सीमाओं के अंदर जो रह के प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज कर सकता है ना, उनका उपयोग तब तक ही कर सकता है जब तक कि वह अन्य देशों के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी रियो डिक्लेरेशन में। उसके साथ ही इसमें यह भी अनुरोध किया गया कि स्थानीय राज्य और संघीय सरकारें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया और उसके संसाधनों की सुरक्षा के लिए नीतियाँ बनाएगी, यानी कि ऐसी नीतियाँ बनाएगी जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो खत्म होते जा रहे हैं उनको बचाना होगा, उन पर हम लोगों को कुछ कानून बनाने होंगे, ठीक है। फिर आता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फॉरेस्ट प्रिंसिपल को ही रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। और इसमें क्या गया था, इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित वन सिद्धांत, वानी की विकास और संरक्षण पर आधारित एक गैर बाध्यकारी कानूनी ढांचा है। मतलब हम लोगों को यहां पे क्या करना होगा, फॉरेस्ट प्रिंसिपल मेनली किस लिए था, फॉरेस्ट्री ग्रोथ एंड कंजर्वेशन के लिए था। यह टर्म इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और यह पूछा जाएगा फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में क्या था, तो आप लोगों को यह दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे तीन कन्वेंशन हुई थी, जो फर्स्ट कन्वेंशन थी वो मैंने आप लोगों को बताया था UNFCCC, जो सेकंड कन्वेंशन थी वो थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज करना है, मतलब आगे की जो जनरेशन है उनके लिए भी बचे रहने चाहिए, हमें उनको खत्म नहीं करना, रिसोर्सेज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, है ना, ये तीन लक्ष्य थे जो CBD के अंदर में थे। फिर आता है यूनाइटेड नेशन, जो थर्ड कन्वेंशन थी वो किस पे थी, टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो हम लोग ये जो पेड़ पौधे को जो हटाते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण जो है वो बढ़ रहा है, हमें उसको कम करना है, उससे रिलेटेड था। यह सम्मेलन 1994 में क्या हुआ था, रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 की प्रत्यक्ष अनुशंसा में उत्पन्न हुआ था, यानी कि एजेंडा 21 में ही आता है ये, यानी कि मेन जो थ्री जो इसके आउटकम निकल के आए थे उसमें UNFCCC, CBD और एजेंडा 21 था, और एजेंडा 21 के अंतर्गत ही हम इसको कन्वेंशन को ले सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखना। फिर इसमें क्या हुआ था, इसे 1994 में कहाँ कब, ये डेट भी आप लोगों को, ये ईयर भी आप लोगों को याद रखना है, 1994 में पेरिस फ्रांस में अपनाया था, और 1996 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों 1994 और 96, ये दोनों आप लोगों को दिमाग में रखना है। फिर इसमें क्या बताया गया था कि UNCCD है जो राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम NAP के माध्यम से मरुस्थलीकरण से निपटने और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए एक सम्मेलन है, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन है, जो ये कन्वेंशन है, वो मेनली किस लिए थी, डेजर्टिफिकेशन के लिए थी, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए और मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, मेनली ये किस लिए थी, तो वो आप लोग माइंड में रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।